Do you also have queries on glass painting? If yes, then you are watching the right video. Hey guys, once again welcome to Craft Arena and this side is Lochan. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू मेक ग्लास कलर्स एट होम। बट ये रेगुलर ग्लास कलर्स की तरह नहीं होंगे, ये ना तो ड्रिप करेंगे और ना ही इनमें बबल्स बनेंगे। एंड वीडियो के एंड में इन्हीं कलर से हम कुछ DIY भी करेंगे। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ यू ऑल नो, होममेड ग्लास कलर्स बनाने के लिए हमें ग्लू चाहिए और फूड कलर्स चाहिए। बट ग्लू कौन सा यूज़ करना है ये हमें कैसे पता चले, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक क्लियर ग्लास लिया है और यहाँ पर मैं 2 types के ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। एक मैंने यूज़ किया है रेगुलर फेविकॉल या कोई सा भी वाइट ग्लू, और दूसरी साइड पर मैंने यूज़ किया है फेविक्रिल मॉड पॉन्च। आप यहाँ पर सिंपल ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल ट्यूब्स में आते हैं वो ग्लू भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इसे हम ड्राई होने देंगे। एंड यहाँ पर मैं पार्टीशन के लिए लाइन बना रही हूँ। ग्लू अच्छे से ड्राई हो गया है और अब टाइम आता है टेस्ट करने का। टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्रश। यहाँ पर जब मैं ब्रश को ग्लास के अंदर डालती हूँ तो फेविकॉल वाली साइड पर हम देखते हैं कि ब्रश हमें क्लियर नहीं दिखता है, बट मॉट पॉन्च जो फेविक्रिल मॉट पॉन्च है वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रश बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। डैट मीन्स कि फेविक्रिल मॉट पॉन्च अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे जो कलर्स हैं वो बिल्कुल इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। आपके पास जो भी ग्लू रखा है आप उसके साथ में ये टेस्ट कर सकते हैं, अगर वो ट्रांसपेरेंट है डैट मीन्स आप उसे यूज़ कर सकते हैं ग्लास कलर्स बनाने में। इसे और क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर लाइट्स के साथ भी बता देती हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा ग्लू यूज़ करना चाहिए। आई होप ग्लू से रिलेटेड अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। सो ग्लास कलर्स बनाने के लिए हमें चाहिए फेविक्रिल मॉड पॉन्च एंड लिक्विड फूड कलर्स। ये कलर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। कलर मिक्स करने के लिए हमें चाहिए पैलेट, ब्रश, और अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इस टाइप से जो फेविक्रिल या फिर कैमिल के जो ग्लास कलर्स होते हैं इनकी एम्प्टी बॉटल्स को आप वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इन्हें स्टोर करके ना रखें। जब भी आप ग्लास पेंटिंग करते हैं तो फ्रेश कलर बनाएं, तो इससे आपकी जो पेंटिंग है उसमें काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग दिखेगी। नाउ वर्क स्टार्ट करने के पहले आप अपने वर्क प्लेस को किसी प्लास्टिक से कवर कर दें, बिकॉज फूड कलर इजीली निकलते नहीं हैं। यहाँ फेविक्रिल मॉड पॉन्च की मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी ली है और इसे 3 parts में इस तरह से लिया है। नाउ इसके अंदर हम ऐड करेंगे फूड कलर्स, और फूड कलर हमें 4 to 5 drops ही ऐड करनी है, इससे ज़्यादा हमें एक साथ ऐड नहीं करना है। अगर हमें कलर कम लगा तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मॉड पॉन्च एंड रेगुलर स्कूल ग्लू को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मॉड पॉन्च जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है स्कूल ग्लू के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर जब हम मॉड पॉन्च एंड फूड कलर को मिक्स करते हैं तो ग्लास कलर के लिए हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनता है। सो ग्लास कलर्स बनाने के लिए आप जब ग्लू चूज़ करते हैं तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप किस टाइप का ग्लू चूज़ कर रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा रनी हुआ तो उस केस में आपके ग्लास कलर्स भी रनी बनेंगे। आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़फुल लग रही होगी। अगर आपको ये यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, इससे जब कभी भी मैं अपने नए वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अगर इन कलर को बॉटल में फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली फर्स्ट आप मॉड पॉन्च को बॉटल में डालें और उसके अंदर फूड कलर ऐड करें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इस तरह से ना करें कि फर्स्ट आप पैलेट में मिक्स करेंगे और उसके बाद में इसे बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो कलर भी वेस्ट होगा और वो अच्छे से फिल भी नहीं होगा। अभी ये ग्लास कलर्स रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें ट्राई करते हैं बॉटल के ऊपर। यहाँ बॉटल पर पहले से ही मैंने 3D आउटलाइनर की हेल्प से इस तरह से सर्कल बना दिए हैं और उन्हें अच्छे से ड्राई होने दिया। जब वो अच्छे से ड्राई हो गए उनके बाद ही मैंने इस तरह से कलर फिल करना स्टार्ट किया। यहाँ आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर बिल्कुल भी ड्रिप नहीं हो रहा है, और एक साथ मैं इस पूरी बॉटल को कंप्लीट कर रही हूँ। अदरवाइज़ हम इस तरह की जब बॉटल
पर वर्क करते हैं तो हमें फर्स्ट वन साइड ट्राई होने के लिए वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम दूसरी साइड पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ सारे कलर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। आप इन्हें अगर मार्केट के ग्लास कलर से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका शेड थोड़ा सा डार्क है और वो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं कि वर्क कितना नीट एंड क्लीन हुआ है और ट्रांसपेरेंट भी है। नाउ टर्न आता है DIY करने का, तो इसके लिए मैंने कैट और कुछ बर्ड्स ड्रॉ किया है और इसके ऊपर रखा है OHP शीट और इसे हम फिक्स कर देंगे सेलो टेप की हेल्प से। टेप से फिक्स करने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसके ऊपर आउटलाइन बनाएंगे तब आपका ये जो OHP है वो मूव नहीं होगा। नाउ ये है फेविक्रिल 3D आउटलाइनर और इसकी हेल्प से हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। इसी आउटलाइनर की हेल्प से ही मैंने बॉटल के ऊपर भी सर्कल बनाए थे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। जब ये आउटलाइन अच्छे से ड्राई हो जाए इसके बाद इनमें हम ग्लास कलर्स फिल करेंगे। आउटलाइन अच्छे से ड्राई हो गई है और अब हम इसमें ग्लास कलर्स फिल कर सकते हैं। ग्लास कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्रश। आप यहाँ पर डायरेक्ट बॉटल से भी फिल कर सकते हैं, बट एजेस पर अच्छे से कलर फिल करने के लिए आपको ब्रश ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ ग्लास कलर्स को कंपेयर करके बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने अप्लाई किया है होममेड ग्लास कलर एंड सेकंड मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ फेविक्रिल ग्लास कलर एंड थर्ड ये है कैमिल के ग्लास कलर्स। नाउ यहाँ पर बॉटल को अगर मैं इस तरह से मूव करती हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि फेविक्रिल एंड कैमिल के जो ग्लास कलर्स है वो इस तरह से मूव हो रहे हैं, बट होममेड ग्लास कलर जो है वो मूव नहीं हो रहा है। ये कलर्स बहुत ज़्यादा रनी होते हैं तो इसीलिए राउंड सरफेस वाली बॉटल्स पर ये कुछ इस तरह से साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन ब्रांड के कलर्स अच्छे नहीं हैं। ये कलर्स बेस्ट है बट फ्लैट सरफेस के लिए, बट जब हम राउंड सरफेस पर वर्क करते हैं तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है होममेड ग्लास कलर्स। एंड आप किसी बड़े एरिया में वर्क करना चाहते हैं तो उसमें भी आप होममेड ग्लास कलर्स बना करके वर्क कर सकते हैं। ग्लास कलर्स को आप जब कभी भी यूज़ करते हैं तो उन्हें एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए ड्राई होने दें, वो ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप उसके ऊपर वॉर्निश अप्लाई करें। नाउ कलर फिल करने के बाद में इन्हें अच्छे से ड्राई होने देंगे और इन्हें कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये सारी पिक्चर्स कुछ ऐसी लगेगी। यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स एंड लीव्स भी बनाया है। नाउ ये जो कैट है इसे डायरेक्टली आप ग्लास विंडो या ग्लास डोर के ऊपर सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर सकते हैं और ये आर्ट आपकी काफ़ी यूनिक आर्ट लगेगी। नाउ यहाँ पर सेकंड सन कैचर बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक वायर ले रही हूँ और इसे मैं कुछ इस तरह से बैंड कर रही हूँ कि इसी के थ्रू ये हैंग हो जाए। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नॉट बनाया है और वायर को कुछ इस तरह से शेप दिया है। नाउ इसे स्टिक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी सिलिकन ग्लू। इन्हें स्टिक करने से पहले आप एक बार इन्हें रख करके देख लें कि आपको इन्हें कहाँ स्टिक करना है, उसके बाद ही आप इन्हें स्टिक करें। यहाँ पर आप चाहे तो कलरफुल बीट्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे।
एज आई टोल्ड यू, कलर्स को सील करने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए वार्निश। सो वार्निश में आप यूज़ कर सकते हैं लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश, यहाँ पर आप ग्लॉस फिनिशिंग में यूज़ कर सकते हैं या फिर मैट फिनिशिंग में, बट आई थिंक इनमें ग्लॉस फिनिशिंग अच्छी लगेगी। इन सन कैचर्स को आप हैंग कर सकते हैं बालकोनी में, गार्डन एरिया में या किसी विंडो के पास में, और ये बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करने वाले हैं। ग्लास पेंटिंग से रिलेटेड अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।